अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर कंप्यूटर सॉरी एसएसटी लेक्चर नंबर 21 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 मिनरल्स पावर रिसोर्सेज एंड नंबर 48 to 52। लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड। एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राई मुल्क है, लेकिन वो पिछले बहुत सालों से ये इंडस्ट्रियलाइज भी होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल कंट्री वो होती है जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए अपने ही पावर और अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करती है। मिनरल्स स्पेशली आयरन और आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। इन पाकिस्तान देयर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स बट देयर आर वेरी फ्यू मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉट सो हार्ड टू फाइंड बट आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉयट बिकॉज दे हैव टू बी माइंड रिफाइंड एंड ट्रांसपोर्टेड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। मिनरल्स क्या है, स्पेशली जो आयरन और है, आयरन है, लोहा, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत से मिनरल्स हैं जो कि नॉन मेटेलिक हैं, मेटल नहीं है, धात नहीं है, और जो मेटेलिक है वो बहुत कम है। मिनरल्स को फाइंड आउट करना, उनको निकालना कानों में से, उनको रिफाइन करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है। रॉ मटेरियल्स, एनी मैटर विच इज़ इन नेचुरल स्टेट एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड इज़ अ रॉ मटेरियल। दे कैन बी प्लांट्स और एनिमल्स। कोई भी मैटर जो कि फितरती तौर पर हो, नेचुरल हो, इंसानों ने ना बनाया, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, मिनरल्स वगैरह, मादनियात वगैरह। हाउएवर अंडर द अर्थ सर्फेस देयर आर मैनी मिनरल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। हमारी ज़मीन के नीचे बहुत से मिनरल्स हैं जिनको इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। इनमें से कुछ मेटेलिक और कुछ नॉन मेटेलिक की यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं। माइनिंग इंडस्ट्री क्या है, कानकुनी करना, कानों में से चीज़ें निकालना। रॉक सॉल्ट वाज फर्स्ट माइंड इन पाकिस्तान इन 1872। इन 1974 द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1872 में रॉक सॉल्ट जो था वो कानों से निकाला गया और 1974 में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की गई। इट्स जॉब वाज टू डेवलप द कॉपर माइंस एट सेंधक इन बलोचिस्तान। इसका काम था बलोचिस्तान में से कॉपर की जो काने थी ना, उनमें से कॉपर निकालना। इन 1979 द जेम स्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश टू फाइंड जेम स्टोन एंड सेटअप एन इंडस्ट्री। 1979 में जेम स्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई गई जिसका काम था जेम स्टोन फाइंड आउट करना और उनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना, इसकी इंडस्ट्री कायम करना। ये लिस्ट दी गई है जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं पाकिस्तान में वो दिया गया है ये लिस्ट, और किस किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं ये दिया गया है, इसको आपने थॉरली रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 50। मेटेलिक मिनरल्स, द ओनली मेटेलिक ओर वाज माइन ऑन अ लार्ज स्केल इन क्रोमाइट। जो ऑल एक जो मेटेलिक हमारे पास मिनरल है जिसको माइन किया जा रहा है वो है क्रोमाइट। इन एडिशन द क्रोमाइट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड आयरन और आर आल्सो माइंड। इसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी में कॉपर और आयरन भी है। क्रोमाइट इज़ यूज टू हार्डन स्टील फॉर ब्रिजेज एंड रेलवेज ब्रिजेज एंड टू मेक इंजीनियरिंग टूल्स एंड स्टेनलेस स्टील। क्रोमाइट को यूज़ किया जाता है आयरन को हार्ड करने के लिए, लोहे को हार्ड करने के लिए, जिससे रेलवे की कैरेजेज वगैरह और ब्रिजेज बनते हैं, इंजीनियरिंग टूल्स बनते हैं और स्टेनलेस स्टील बनता है। अदर मेटेलिक मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान इंक्लूड मैंगनीज एंटोमनी used in the chemical industry and bauxite. ये chemical industry में use होते हैं और bauxite जो है वो find out किया जाता है। Next point is power resources. Pakistan uses much less energy than many other countries. ये बाकी countries की नस्बत कम energy use कर रहा है। For example, we use 80 times less energy than the United States. हम यूनाइटेड स्टेट की नस्बत 80% कम एनर्जी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस मच एनर्जी एंड डज नॉट हैव इनफ टू मीट इट्स नीड। पाकिस्तान के पास ना तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ना ही रिसोर्सेज हैं अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। द एनर्जी वी यूज़ इन पाकिस्तान कम्स फ्रॉम ऑयल, गैस, वाटर एंड कोल। हम पाकिस्तान में जो एनर्जी यूज़ करें वो ऑयल, गैस, वाटर और कोल से आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम। इन 1961 द ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन पाकिस्तान टू एक्सप्लोर, डेवलप, प्रोड्यूस, रिफाइन एंड सेल ऑयल एंड गैस। 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो थी वो पाकिस्तान में बनी ताकि वो वहाँ से, पाकिस्तान से ऑयल फाइंड आउट करे, उसको डिवेलप करे, उसको प्रोड्यूस कर सके, रिफाइन कर सके और फिर सेल कर सके। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेट्रोलियम वो यूज गोज टू रन ओवर कार्स। 50% जो पेट्रोलियम है ना वो हम गाड़ियाँ वगैरह चलाने में यूज़ कर देते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस पावर इन इंडस्ट्री एंड फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पसेज। बिसाइड्स पेट्रोलियम ऑयल इज ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ मैनी अदर प्रोडक्ट्स सच एज लुब्रिकेंट्स एंड इवन कॉस्मेटिक्स।
ऑयल जो है वो ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में बल्कि हमारे डोमेस्टिक हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑयल जो है बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट्स बनाने में और हमारे कॉस्मेटिक्स भी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल फील्ड्स। देर आर ऑयल फील्ड इन द पोटोहार प्लेट्यू एंड इन लोअर सिंध। पोटोहार प्लेट्यू और लोअर सिंध जो है वहाँ पर ऑयल के ज़ाहिर मौजूद हैं। द लोअर सिंध ऑयल फील्ड वर डिस्कवर्ड इन 1981 वैन ऑयल वॉज फाउंड एट कशखेली। कशखेली में ऑयल मिला था 1981 में, वहाँ पर डिस्कवर हुआ था ऑयल का जहीरा। सिंस देन 20 अदर फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन। उसके बाद और 20 रिजर्व्स हैं जो फाइंड आउट हो चुके हैं। 60% ऑफ पाकिस्तान ऑयल कम्स फ्रॉम लोअर सिंध। पाकिस्तान का 60% ऑयल जो है वो लोअर सिंध से आता है। इन 1951 द फर्स्ट ऑयल फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट काउर। काउर में पहला ऑयल फील्ड जो डिस्कवर हुआ था वो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जहाँ ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। बिफोर इट कैन बी यूज ऑयल हैज़ टू बी रिफाइंड और मेड प्योर। दिस इज़ डन एट अ रिफाइनरी। इसको प्योर किया जाता है और ये रिफाइनरीज में होता है। द अटक रिफाइनरी एट मोरगा रावलपिंडी इज़ द ओल्डेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट जो है वो मोरगा में अटक रिफाइनरी है रावलपिंडी में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचुरल गैस। पाकिस्तान इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन ओवर इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। द सर्च ऑफ ऑयल रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ गैस इन 1952 एट सुई बलोचिस्तान। पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है गैस के रिजर्व्स के मामले में। गैस जो है पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज में घरों में हर जगह यूज़ की जा रही है। ऑयल को ढूंढते ढूंढते सुई के बलोचिस्तान में सुई के मुकाम पर 1952 में गैस के ज़ाहिर मिले। द लार्जेस्ट गैस फील्ड इज़ एट सुई एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एट मरी। सबसे बड़ा सुई गैस का जो रिज़र्व है हमारे पास वो सुई में है और सेकंड वन जो है वो मरी में है। आफ्टर वाटर नेचुरल गैस इज़ पाकिस्तान सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर के बाद नेचुरल गैस पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी हासिल करने का। वी मस्ट वैल्यू दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉट वेस्ट दैम। हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यू देनी चाहिए और इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवर नीड्स, सो वी हैव टू इम्पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड इन थ्री वेज, थर्मल, हाइड्रल एंड न्यूक्लियर। पाकिस्तान के पास इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितनी उसको ज़रूरत है, इसलिए हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, बाहर के मुल्कों से लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में तीन तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, थर्मल, हाइडल एंड और न्यूक्लियर से। करंटली ड्यू टू दी पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान ऑल सिटीज़ एंड विलेजेस हैव टू फेस लोड शेडिंग। क्योंकि पावर क्राइसिस रहते हैं पाकिस्तान में तो बहुत तमाम शहरों और गांवों को लोड शेडिंग को फेस करना पड़ता है। और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री। और ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अदर सोर्सेज ऑफ पावर। थस टू मीट द नीड्स ऑफ अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू रन इंडस्ट्रीज, रेजिडेंसीज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। पाकिस्तान लाइक अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डेवलप अल्टरनेटिव एनर्जी टू मीट दीज डिमांड्स। अल्टरनेटिव एनर्जी मीन्स एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस फ्राम सोर्सेज अदर दैन वाटर, फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। पाकिस्तान को ज़रूरत है अपनी पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंस और एजुकेशनल हर जगह पे एनर्जी पूरा करने के इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव तरीके हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि वाटर के अलावा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी हो सकता है। पाकिस्तान इज करंटली डेवलपिंग विंड पावर प्लांट्स इन जामपुर, घारू, केटी बंदर एंड बिन कासिम इन सिंध। वो यूज़ सम सोलर एनर्जी टू, ठीक है। ये कुछ इलाके हैं जहाँ विंड पावर्स लगाए गए हैं और इसके अलावा हम सोलर एनर्जी भी यूज़ करते हैं। इट शुड बी पॉसिबल फॉर अस टू डेवलप मैनी मोर सोलर एंड विंड एनर्जी यूनिट्स एज द सोर्स ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री एंड इज़ अबंडेंट क्वांटिटी। कहते हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम पॉसिबल बनाए कि हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा फ्री है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। बायोगैस डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट काउ डंग ऑन फार्म्स। ये होती है काउ का जो डंग होता है ना उसको जलाकर उससे बायोगैस बनाई जाती थी। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 1974 में, 1980 और 81 में इसकी कंपनीज बनाई गई, लेकिन अब आज ये खत्म हो चुकी है। डायरी रीड द चैप्टर कीनली एंड रीडिंग इज फॉर लर्न। आपने इस चैप्टर को यहाँ तक कीनली पढ़ना है और फिर इस रीडिंग को आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।